नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं आप ही की रिक्वेस्ट से एक और वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि नेचुरल तरीके से आपके पिंपल्स एंड्स को कैसे ठीक करें का पार्ट वन वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो में आज आपको मैं 5 रेमेडीज बताऊंगा। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में भी आपको रेमेडीज बताऊंगा। तो ये वीडियो है पार्ट 1। हम जानते हैं कि पिंपल्स सभी को हो रहे हैं, मेल हो या फीमेल, लड़के लड़की को सभी को हो रहे हैं आज के, क्योंकि ये और ये बीमारी जो है, ये प्रॉब्लम लगातार दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। ड्रेमेटोलॉजिस्ट, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ड्रेमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे पेशेंट है, बहुत सारे लोग है, क्योंकि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स क्रीम, ब्यूटी क्रीम्स और इतने सारे हार्श हार्मफुल केमिकल आ रहे हैं जिसके कारण स्किन डैमेज होती है और हमारी बॉडी अनहेल्दी के कारण भी, हार्मोन इंबैलेंस के कारण भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आज आपको 5 रेमेडीज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिंपल्स होता क्या है, उसके बाद 5 रेमेडीज और उसके बाद कुछ ध्यान रखने वाली बातें। तो प्लीज आप ये वीडियो जरूर देखें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लेफ्ट में नीचे एक हार्ट का लोगो में बीच में AC आ रहा है, वो केयर फॉर ऑल का लोगो है, तो आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में आप और हेल्दी वीडियोस, नॉलेज, फैक्ट्स, हेल्थ न्यूज के बारे में कॉशियस रहे और आपको जानकारी रहे। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ कि पिंपल्स होता क्या है। पिंपल्स एक तरह का स्मॉल पबल्स होता है, पस्टल्स होता है, जो कि सुबैकेशियस ग्लैंड के कारण होता है। और जो सुबैकेशियस ग्लैंड रहता है ये हमारे स्किन में हर जगह मौजूद होता है, क्योंकि हर जगह बाल होते हैं और बाल के ये हेयर फॉलिक्स के नीचे जुड़ा हुआ रहता है। हमारी स्किन में जब छोटे छोटे बाल रहते हैं जो हमें दिखते नहीं है बारीक से, उनके कारण होता है। क्या होता है कि जो सुबैकेशियस ग्लैंड रहता है वो बालों की जड़ से जुड़ा हुआ रहता है, हेयर फॉलिक्स से जुड़ा हुआ रहता है और कंटिन्यू रिलीज करता है सीबम। ठीक है, सीबम एक तरह का ऑयली पदार्थ होता है, वैक्स तरह का पदार्थ होता है, जिसके कारण हमारी स्किन नेचुरल मॉइस्चराइज होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है। क्यों? क्योंकि वो जो सुबैकेशियस ग्लैंड है वो कई ज्यादा सीबम करता है, रिलीज कर देता है, किसी लोगों में तो ऑयली स्किन होती और कम रिलीज करता है तो वो ड्राई हो जाती है। यही कारण है पिंपल्स क्यों होते हैं। क्या होता है कि जब जो सुबैकेशियस ग्लैंड है कंटिन्यू रिलीज करता है सीबम को, और जब वो सीबम हमारी डेड स्किन सेल से इंट्रैक्ट करता है तो उसके कारण जो एंड्स, जो पोर्स रहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, जब डेड स्किन सेल से वो ब्लॉक हो चुके हैं और सुबैकेशियस ग्लैंड नीचे से निकल रहा है, सुबैकेशियस ग्लैंड के कारण सीबम निकल रहा है, तो उस जो सुबैकेशियस ग्लैंड के कारण जो सीबम है वो कंटिन्यूस वहां इकट्ठा हो जाता है, और जब वो इकट्ठा हो जाता है उसके कारण वहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग आ जाती है, एक इन्फ्लेमेशन, एक स्वेलिंग टाइप आ जाती है जिसको कहते हैं हम पिंपल्स। और ये स्वेलिंग आने के जो स्वेलिंग आती है उसके अंदर जो सीबम रहता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है उसमें पस हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो पिंपल्स रहते हैं वो फूट जाते हैं तो पस निकलता है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो मेरे उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि आपने हाथ लगा दे और गलती से वो पस निकल गया और आसपास के इन्फेक्शन स्किन में पहुंच गया तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आसपास के पोर्स के अंदर चले जाएगा और सुबैकेशियस ग्लैंड और इन्फेक्शन कर देगा और पिंपल्स होने के चांसेस है। तो अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो सबसे पहले आप हाथ ना लगाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि नेचुरल 5 कौन कौन सी रेमेडीज है। तो सबसे पहला तरीका, अप्लाई एप्पल चीडर विनेगर सिरका। जी हाँ, एप्पल जो चीडर विनेगर है वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, शॉप में मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती है। और आपको मैं बता दूं कि ये बेस्ट तरीका है एंड्स को हटाने के लिए, 95% लोगों को इससे फायदा हो जाता है और ये अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम में सबसे पहले नंबर पे आता है घरेलू नुस्खे पे। होता क्या है कि आपको बता दूं कि ये चीडर विनेगर, जो एप्पल चीडर विनेगर है, काम कैसे करता है। क्या होता है कि एप्पल चीडर विनेगर जब आप स्किन पे लगाते हैं ना तो आपके स्किन को अल्कलाइन नेचर का कर देता है और जो आपके स्किन का जो पीएच वैल्यू है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसको बैलेंस कर देता है। और जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उस पीएच वैल्यू पे, उस अल्कलाइन नेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसके कारण वो मर जाते हैं। इसलिए एप्पल चीडर विनेगर है ये बहुत काम आता है और टॉप नंबर पे है पिंपल्स को हटाने के लिए। लेकिन इसको जो लगाने का तरीका है वो बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि ये ड्राई स्किन भी कर देता है, क्योंकि विनेगर रहता है तो ड्राई कर देता है। तो इसका लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसका लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप 1 चम्मच जो सिरका है एप्पल चीडर विनेगर वो लइए और साथ में 3 चम्मच आप लीजिए पानी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हमको 1:3 का रेशियो बनाना है।
आप इसको मिलाओगे दोनों को, पानी 3 चम्मच पानी लिया और उसमें 1 चम्मच आपने विनेगर मिला दिया और हिला दिया, हिला के आपने कॉटन बड से लगा दिया, ठीक है। आप जब आपकी जो पिंपल्स है वहां लगाएंगे आप, कुछ समय बाद 10 मिनट तक आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप उसको वार्म वाटर से धोइए और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। कई लोग कहते हैं कि इसको रात भर लगा के रखना चाहिए, पर मैं सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि हर इंसान की स्किन का नेचर अलग होता है, वो ड्राई भी बना सकता है और कम भी बना सकता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने इसको लगा के छोड़ दिया और आपकी स्किन ड्राई हो गई, ठीक है, सूख गई, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो सुबह के शेव ग्लैंड है ये कंटिन्यूस सीबम को रिलीज करेगा, और जब कंटिन्यूस सीबम को रिलीज करेगा ना, तो वैसे ही आगे आपको प्रॉब्लम है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ते ही जाएगा, तो और आपके स्किन में पिंपल्स में दिक्कत आ सकती है। तो इसको लगाने का जो तरीका है बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है कि आपने जब 1 चम्मच विनेगर में 3 चम्मच पानी मिलाया और उसको आपने लगा लिया, 10 मिनट छोड़ के आप उसको गर्म पानी से धो दे और फिर आप कोई सा भी नेचुरल हर्बल मॉइस्चराइजर लगा ले। कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, जो बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल कोकोनट ऑयल भी रहता है, तो ये इसके लगाने का तरीका है। दूसरा, सिनेमन और हनी का मिश्रण, ठीक है, दालचीनी और शहद का मिश्रण, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी गजब का काम करता है पिंपल्स को रोकने के लिए। हम जानते हैं कि जो हनी रहता है, शहद रहता है, वो बहुत स्टिकी रहता है, और सिनेमन रहता है, जो दालचीनी रहती है वो बहुत स्पाइसी रहती है। तो इन दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि जो सिनेमन रहता है, दालचीनी रहती है, उसमें एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज रहती है, जिसके कारण जो बैक्टीरियल रहता है उसका पनपना रुक जाता है, वो आगे बढ़ नहीं सकते। और जो शहद रहता, हनी रहती, वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रहती है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी गजब का काम करता है। इसका लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप 2 चम्मच शहद लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप सिनेमन पाउडर लीजिए और साथ में एक पेपर टॉवल लीजिए, टिश्यू पेपर भी लीजिए। आप क्या करें, एक कटोरी में, एक बाउल में आपने 2 चम्मच शहद डाला, उसमें 1 चम्मच सिनेमन डाला और उसका अच्छा पेस्ट बनाया, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद क्या करें, आप आपका चेहरा अच्छे से पहले सादे पानी से धो लीजिए, ठीक है। धोने के बाद उसको सुखा लीजिए, ड्राई होना बहुत जरूरी है, गीला नहीं। सुखाने के बाद वो जो पेस्ट है, उस पेस्ट को आपको ज्यादा स्पॉट है, पिंपल्स है, या पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपको पिंपल ज्यादा है तो आप पूरे चेहरे पे लगाइए, वरना थोड़े पिंपल्स हो तो वहां लगाइए, और उसको 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद आप उसको धो लीजिए, ठीक है। धोने और उसके बाद उसको पेपर टॉवल से पोंछ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो जो हनी है ये बहुत स्टिकी रहता है, तो और वो थोड़ा चिपचिपा पदार्थ रहता है, तो उसके कारण क्या होगा, पेपर टॉवल से, टिश्यू पेपर से पोंछना जरूरी है, वरना आप बहुत स्टिकी महसूस करेंगे। इसको आप 1 से 2 महीने लगाइए, बिल्कुल आपको मदद करेगा। तीसरी होम रेमेडी है दही और हनी, या फिर मिल्क और हनी। क्योंकि होता क्या है, मानना है और सच में भी है कि दूध में क्या होता है, फैट, और वो भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, और दही जो रहता है वो जाहिर सी बात है उसमें प्रोबायोटिक्स रहते हैं और एसिड रहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज काम करते हैं, और हनी तो है ही से स्टिकी। तो साथ में हमने दूध लिया, दूध नहीं तो आप योगर्ट भी रह सकते हो, और साथ में दही, सॉरी हनी, ठीक है। इसका लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप 1 चम्मच दूध लीजिए और 3 चम्मच आप दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए, या फिर 3 चम्मच आप दही लीजिए और उसमें 1 चम्मच आप शहद मिलाइए। इसको अच्छा मिश्रण बना के, सबसे पहले वही से कि अपना चेहरा पानी से धो लीजिए, उसको सुखा लीजिए, ड्राई अच्छे कपड़े पोंछिए, और उसके बाद वो पेस्ट लगा दीजिए। 10 से 15 मिनट लगाने के बाद आप उसको वार्म वाटर से साफ कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है उसमें मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, तो आप कोई सा भी हर्बल मॉइस्चराइज क्रीम लगाइए या फिर कोकोनट ऑयल लगाइए, ये लगाने से भी बेहतर लाभ होता है पिंपल्स के लिए। चौथा है एक वाइट, सफेद अंडे। एक वाइट भी बहुत ही काम आता है पिंपल्स को हटाने के लिए। एक वाइट में क्या होता है कि हम जानते हैं एक में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है, जो कि दोनों साथ में मिलके प्रोटीन विटामिन्स मिलके एन्स को खत्म करते हैं। और क्या होता है कि इसमें प्रोटीन और विटामिन्स रहता है जो स्किन जो सेल है उसको नई बनाने में भी मदद करते हैं, तो इसका लगाने से भी बेहतर लाभ होता है। इसका लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप 1 से 2 अंडे लीजिए, 3 अंडे, 1 से 2 अंडे लीजिए, उसमें आप हाथ में तोड़ के जो एक योग होता है वाइट येलो वो नहीं लगाना है हमको, केवल जो एक योग को छोड़ के जो चिकना चिकना पदार्थ रहता है वो एक में वो लगाना है, ठीक है। वो ले लिया आपने, उसको लेने के बाद क्या करना है, आपको अपना चेहरा धोना है, जाहिर सी बात है, अच्छे पानी से, और उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद वो जो एक योग हटाने के बाद जो एक है उसको अप्लाई करना अपने चेहरे पे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद कम से कम 2 से 3 लेयर लगानी, मतलब आपने एक लेयर लगा दी, उसके बाद 1 से 2 मिनट लोगे, फिर अंडा लिया वो जो है उसको फिर लगाया आपने, और फिर से लगाया, ऐसे 2 से 3 बार लगाना है। उसको लगाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आपको
रहने देना उसमें। रहने के बाद क्या होना है, अब वो जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद आप वार्म वाटर से धो लीजिए उसको, और उसके बाद कोई सा भी नेचुरल हर्बल मॉइस्चराइजर क्रीम या कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। इसका कंटिन्यूस यूज करने से हमने देखा है, मैंने देखा है बेहतर, कई लोगों को जो खतरनाक पिंपल्स है उनको भी हट जाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, ये भी आपको लाभ देगा। पांचवी होम रेमेडी, ये भी बहुत गजब की काम करती है, वो है पपीता, पपाया। जी हाँ, आपने सुना होगा जो पपीता है, पपाया बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी पपीता यूज कर रही है। होता क्या है, पपीता में एक एंजाइम होता है, वो है पपिंस, ठीक है। पपिन जो रहता है वो क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन रहता है, मतलब पिंपल्स होने के बाद जो लाल लाल होता है उसको रिड्यूस करता है, और साथ में जो पस हो जाता है उसको भी हटाता है, सुखा के हटाता है। और ये जो पपीता रहता है वो अब स्किन पे जो डेड स्किन सेल है जिसके कारण पिंपल्स होता है, ब्लॉकेज होता है, उसको भी हटाता है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा काम है और बहुत ही सस्ता पड़ता है। खैर, जो सभी होम रेमेडी है वो सभी सस्ती पड़ती है, तो इसको लगाना से भी पिंपल्स हटता है। इसका लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप अपना मुंह धो लीजिए पहले ही अच्छे, फिर उसको ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए, उसके बाद आप पपीता लीजिए, उसको स्मैश करिए, उसके पल्प को आप लगाइए। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप उसको वार्म वाटर से धो लीजिए, और उसके बाद आप चाहे तो नेचुरल मॉइस्चर हर्बल मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितना समय लगा। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन पे, आपकी स्किन पे जो सेबेकेशियस ग्लैंड है वो कितने सीबम रिलीज करता है, आपकी स्किन में कितने डेड सेल और कितने पिंपल्स है, क्वांटिटी के हिसाब से टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आपके जो हार्मोन्स है उसके कारण भी टाइम लग सकता है कि आपकी स्किन अडॉप्ट करती है या नहीं। एक महीना मिनिमम तो लगता ही है, 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। आप इसमें से कोई सा भी 1 से 2 तरीका यूज कर सकते हैं, चाहे तो 2 से 3 तरीके 4 भी कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। ये यूज करिए और गारंटी आपको लाइफ लाभ होगा, क्योंकि नेचुरल चीजें हमेशा, हमारी बॉडी नेचुरल बनी है और नेचुरल चीजें हमेशा काम करती है। और मेरी एक सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप नीचे कमेंट करिए, नाइस, जो भी अच्छी है, गुड, वेरी गुड, या आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं दीजिए, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो भी पूछिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें केयर फॉर ऑल, क्योंकि ये हेल्थ का चैनल है, हेल्थ कॉन्शियस है, और जो भी आप चाहे वो फैक्ट हो, नॉलेज हो, प्रोडक्ट रिव्यू हो, न्यूज हो हेल्थ के रिगार्डिंग, वो सब इस चैनल पे मिलेगी, कंप्लीट चैनल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।